मूवी की शुरुआत में चाइना के एक मछुआरों के गांव में एक छोटी बच्ची को झील के किनारे खेलते हुए दिखाते हैं और उसके पिता अपना काम शुरू करने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये देखकर लड़की परेशान है कि उसके बूढ़े पिता फिर से जा रहे हैं। वो पानी में कूद जाता है और खेलना शुरू करता है और लड़के के आंसू फिर मुस्कान में बदल जाते हैं। अचानक आदमी झील के अंदर जोर से हिलना शुरू कर देता है और कुछ देर में पानी के अंदर किसी चीज द्वारा घसीटा चला जाता है। लड़की हंस रही होती है क्योंकि उसे ये मालूम नहीं कि उसके पिता किसी मुसीबत में है। फिर वो आदमी गायब हो जाता है और पानी के केवल खून ही खून दिखता है। अब गांव के लोग जल्दी से एक राक्षसों का शिकार करने वाले डेमन हंटर को बुलाते हैं, जो झील के अंदर बॉम्ब फेंकना शुरू कर देता है, जिससे पानी के अंदर एक ब्लास्ट होता है और हर कोई शॉक में होता है। वे एक बड़े से स्टिंग्रे को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और शिकारी दावा करता है कि इसी प्राणी का रूप उसी राक्षस ने धारण किया है जिसने उस आदमी को मारा है। अब लोग इसके बहुत आभारी होते हैं कि इसने राक्षस को पकड़ लिया, लेकिन भीड़ के अंदर से एक व्यक्ति उन्हें बताता है कि ये कोई दानव नहीं, केवल एक आम स्टिंग्रे है। फिर वहाँ पर टैंग नाम का एक आदमी आता है जो एक डेमन हंटर है और एक संत का शिष्य भी है। तभी दूसरा डेमन हंटर ये सुनता है और तुरंत टैंक पर दानव का साथी होने का आरोप लगाता है। अब जिसको सुनकर गांव के लोग टैंक पर हमला कर रहे होते हैं और उसे सजा के रूप में बांध दिया होता है। हर कोई पानी में कूदना शुरू कर देते हैं ये विश्वास दिलाने के लिए कि हम सुरक्षित हैं, पानी में कोई भी दिक्कत नहीं, और टैंक लोगों को निराशाजनक रूप से देख रहा होता है। उनका उत्सव जल्दी समाप्त हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक विशाल जानवर एक महिला को खा जाता है और अब हर कोई ये देखकर शॉक में हो जाता है। अब जो लोग उतनी फुर्ती से उस पानी में कूदे थे वहाँ से बाहर आने लगते हैं, लेकिन राक्षस उन्हें जीप से खींचना शुरू कर देता है। एक छोटी लड़की अपनी माँ की ओर भागने की कोशिश करती है, लेकिन राक्षस मौके का फायदा उठाता है और बच्ची को पकड़ लेता है और उसे पानी में खींचने की कोशिश करता है। गांव के लोग बच्ची की मदद के लिए दौड़ते हैं और उसे पुल के किनारे पकड़ते हुए राक्षस की जीप काट देते हैं, लेकिन वो राक्षस उछलकर उस लड़की को अपने मुंह में ले लेता है। अब ये देखकर बच्ची की माँ को गुस्सा आता है और वो झील में कूद जाती है और अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करती है। आखिर एक माँ जो ठहरी थी, दूसरी ओर टैंक खुद को रस्सियों से मुक्त कराने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल कर रहा होता है। अब बच्ची की माँ डर से पैरालाइज हो जाती है जब वो पानी में उस विशाल राक्षस को देखती है और डर से कांपने लग जाती है, लेकिन वो राक्षस उसको घूरता ही रहता है। वो अपनी बच्ची को वापस करने के लिए राक्षस से भीख मांगती है, लेकिन दानव उसे भी नहीं छोड़ता, उसको भी खा लेता है। राक्षस आसपास की बिल्डिंग को तोड़ देता है जिससे सभी लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक बच्ची अपने माँ से दूर झील की तरफ गिरने लगती है। लेकिन तभी टैंक रस्सियों से आजाद हो जाता है और वो प्लेटफॉर्म के पास नीचे कूदता है जिससे वो बच्ची को बचा सके। जैसे ही राक्षस उसकी ओर बढ़ता है, टैंक उस बच्ची को पकड़ लेता है और समय पर भागने में सफल हो जाता है और फिर वो बड़े चतुराई से उस राक्षस से बच जाता है। टैंक बच्ची को उसकी माँ को वापस करता है और देखता है कि वो फेक डेमन हंटर एक कायर की तरह छुपा हुआ है। अभी दिखाते हैं कि एक भारी सी लड़की भीड़ में भाग रही है जिसके हर कदम से वहाँ पर भूकंप जैसा फील होता है और राक्षस की ओर भागती जा रही है। वे मोटी सी लड़की प्लेटफॉर्म पर कूदती है जिससे राक्षस हवा में उड़ जाता है। अब इससे पहले कि वो फेक डेमन हंटर वहाँ से निकले, राक्षस उसी के ऊपर कूद जाता है। अब राक्षस धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू करता है और एक इंसान के रूप में आ जाता है। अब गांव के लोग इसको देखकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी टैंक उन्हें रोकता है और एक बेटर ऑप्शन रखता है। वो कई सारे इंस्ट्रूमेंट और एक बुक जिसका नाम 300 नर्सरी राइम्स है वो निकालता है और राक्षस को बुराई से अच्छाई में बदलने के लिए अपना म्यूजिकल टैलेंट दिखा रहा होता है। वो बड़े भयानक रूप से वो मंत्र पढ़ रहा होता है जिससे एक ही पल में राक्षस और दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कर क्या रहा है। अब टैंक इतना खतरनाक गा रहा होता है कि उसके गाने से डेमन पागल होने लगता है और वो उसको बुरी तरह से पीट रहा होता है और चारों तरफ सब कुछ तोड़ देता है। अब टैंक के मारे जाने से पहले एक महिला राक्षस को पकड़ लेती है और वे उसको पीटने लगती है। फिर वो उसको एक जादुई कपड़े में सील करके एक गुड़िया में बदल देती है। उस महिला का नाम ड्वेन है और वो भी डेमन हंटर्स में से एक है। लेकिन जब टैंक उसे वो टूल दिखाता है जो वो राक्षस उसे जीतने के लिए यूज करता है, तो ड्यून उस पर हंस रही होती है कि ये क्या बचकाना है, और सभी गांव वाले ड्यून का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें बचा लिया। अब यहां दिखाते हैं कि टैंक अपने फेलियर से परेशान है, लेकिन उसका मास्टर उसको बताता है कि बुरे को अच्छे में बदलना बहुत ही कठिन है। वो अपने मास्टर से कहता है कि एक दूसरा दानव है जिस पर उसे विजय प्राप्त करनी होगी, जो पास के एक रेस्टोरेंट में रहता है और खाना पकाने के इंग्रेडिएंट्स के रूप में ह्यूमन फ्लैश का यूज करता है। अब रात में टैंक दानव के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और बिल्डिंग में एंटर करता है, लेकिन देखता है कि ये लोगों से भरा हुआ है जो अपने भोजन का आनंद ले रहे हैं। अब एक महिला उसको ग्रीट करके चारों ओर दिखा रही होती है, लेकिन टैंक बहकावे में नहीं आता और उसको अपने असली रूप में दिखाने के लिए कहता है, लेकिन वो डेमन में बदल जाती है और टैंक पर हमला करना शुरू कर देती है और टैंक वहाँ से डर के मारे भागता है। लेकिन तभी वहाँ पर ड्वेन आ जाती है और वो उसको बचा लेती है।
तभी ड्वेन उसको डस्ट में बदल देती है। वो रेस्टोरेंट में सभी पर हमला कर रही होती है और सभी राक्षसों को एक एक करके अपनी रिंग का यूज करके खत्म कर रही होती है। और उन दोनों की फाइट के बीच ड्वेन उस राक्षस पर भारी पड़ने लगती है और उसको बहुत पंचेस मारती है और कई सारे रिंग्स को इकट्ठा करके उस पर फेंकती है एक एक करके खट खट खट, जिससे उस राक्षस की स्क्रीन ब्रेक हो जाती है और वो एक सुअर जैसे आकार में बदल जाता है। और फिर उन दोनों की घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और वो सुअर ड्वेन पर भारी पड़ने लगता है, जिससे उसे अपना बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो ड्वेन के शरीर पर प्रहार करने ही वाला होता है कि तभी वो अटैक से ठीक पहले खुद को बचा लेती है और देखती देखती वो राक्षस एक और दानव सुअर में बदल जाता है। लेकिन बड़ी मुश्किलों से ड्वेन उसको बांध देती है और टैंक को मदद करने के लिए बुलाती है। ड्वेन उस डेमन की सोल को उसके गले में लॉक कर देती है और टैंक को सुअर के अंदर से उसको बाहर निकालने के लिए कह रही है। टैंक इस काम को पूरा करने के लिए साहस जुटाता है, लेकिन राक्षस के भयानक चेहरे को देखने के बाद उससे ये काम बिल्कुल भी नहीं हो पाता। लेकिन फिर कोशिश करने के बाद टैंक इसी कंफ्यूजन में गलती से गिर जाता है और वो सुअर को किस कर देता है और उसे अपने मुंह के अंदर खींच लेता है। अब ड्वेन जल्दी से टैंक को किस करके उसके अंदर से फिर डेमन को बाहर निकालती है और फटाफट उसको एक पोटली में डाल देती है। लेकिन डेमन इतना पावरफुल होता है कि वो इससे भी बाहर आने लगता है और धीरे धीरे फाइनली वो एक बड़ा रूप ले लेता है जिससे पूरी बिल्डिंग दहने लगती है। तो ये दोनों जल्दी वहाँ से भागते हैं और एक नदी के किनारे पहुँचते हैं। ड्वेन अपनी चोट के दर्द से नीचे गिरती है और टैंक के ठीक सामने अपने कपड़े उतार देती है और टैंक को बोलती है कि उसके घावों पर ब्लीडिंग रोकने के लिए दबाव डाले, जो टैंक खुद की ब्लीडिंग रोकते हुए भी कर रहा था। ड्वेन अपनी आंखें बंद करके टैंक की ओर किस करने के लिए बढ़ती है। तभी टैंक को याद आता है कि वो तो एक साधु है और उसको ऐसे लफड़े में कभी नहीं पड़ना है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन टैंक अपने गुरु के पास वापस आता है और कहता है कि वो एक और बार फिर से असफल हो गया। उसका गुरु कहता है कि पिग मॉन्स्टर से जीतने के लिए उसे किंग ऑफ ऑल डेमन्स के पास जाकर हेल्प मांगनी होगी। असल में इस पावरफुल किंग को वुकुंग के नाम से जाना जाता है, जिसे 500 साल पहले देवताओं ने एक बड़ी माउंटेन के नीचे स्वर्ग में समस्याएं खड़ी करने की वजह से बंद कर दिया था। रात को जंगल के अंदर घूमते हुए टैंक कुछ अनफ्रेंडली से लगने वाले लोगों के बनाए गए जाल में फंस जाता है, लेकिन दरअसल वे सभी ड्वेन के लिए काम करते हैं और ड्वेन सोचती है कि वो बस टैंक से ही शादी करना चाहती है और कुछ भी हो जाए वो उसी से शादी करके रहेगी। जबकि टैंक उसको मना करता है कि वो उससे प्यार नहीं करता क्योंकि वह एक साधु है और साधु होने के नाते उसे इस दुनिया में सभी से बराबर प्यार करना चाहिए, इसीलिए वह सिर्फ ड्वेन के लिए रोमांटिक फीलिंग नहीं रख सकता। अब गुस्से में आकर ड्वेन उसको अंदर बंद कर देती है और सोचने लगती है कि उसके साथ अब क्या किया जाए। उसकी बहन उसको कन्विंस करती है कि उसके साथ डांस करो और उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, लेकिन उसके बेकार डांस को देखने के बाद उसकी बहन ड्वेन को एक ताबीज देने लगती है और साधु को बहकाने के लिए ड्वेन की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रही होती है। ड्वेन अपने क्रश के पास जाती है लेकिन सब कुछ खराब हो जाता है क्योंकि ताबीज ने काम करना बंद कर दिया है। अब ड्वेन टैंक को बार बार मारती है और रुक जाती है जब ताबीज गलती से टैंक पर ही गिर जाता है। ड्वेन गिल्टी फील करते हुए कमरे से बाहर भागती है, लेकिन उसी समय उसकी बहन नाचने लगती है जिसे देखकर टैंक भी अपनी बॉडी को उसी तरह हिलाता है और ऐसा करते हुए उसे अंदर आते हुए गार्ड देख लेते हैं। वे साधु के घटिया डांस को देखकर उसे और पीटते हैं और तब रुकते हैं जब ड्वेन की बहन को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। उनकी मस्ती जल्दी खत्म होती है तभी वहाँ पर पिग डेमन आ जाता है और सभी जल्दी जल्दी अपने व्हीकल पर भाग रहे होते हैं और अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पिग डेमन उनको पकड़ लेता है और उन पर सीधा अटैक करने लगता है। अब ड्वेन ये सब देखकर टैंक को कार से बाहर गिरा देती है ताकि डेमन उसको मार न सके, लेकिन डेमन आता है और उस व्हीकल को तबाह कर देता है, लेकिन उस क्रैश में किसी को चोट नहीं लगती। अब डेमन जल्दी सभी को घेर लेता है क्योंकि ये उनकी पिछली लड़ाई का रिवेंज लेने के लिए आया है। अब अचानक एक आदमी आता है जिसके पीछे टाइगर की परछाई रहती है। वो उस बिग मॉन्स्टर के साथ फाइट करता है और उसको वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर देता है। अब ये पता चलता है कि वो आदमी एक डेमन हंटर है और उसका साथी द माइटी फुट और साथ में प्रिंस है और उनकी चार सुंदर नैनीज हैं जिन्हें प्रिंस हर समय फूल अपने ऊपर फेंकने को कहता है। अब वो तीनों इस बात पर बहस करना शुरू करते हैं कि पिग डेमन को कौन खत्म करेगा, जिसे सुनकर टैंक को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम लोग केवल पैसे के लिए कर रहे हो, तुम सच्चे डेमन हंटर कहलाने लायक नहीं हो। टैंक ड्वेन से कहता है कि तुम मेरी नर्सरी राइम्स वाली बुक वापस दे दो और उसका समय बर्बाद करने के लिए ड्वेन पर चिल्लाता है, लेकिन इसे सुनकर ड्वेन को गुस्सा आता है और वो बुक को फाड़ फाड़ के उसको हवा में उड़ा देती है। फिर वो गुस्से से टैंक को मारना शुरू कर देती है और कहती है कि टैंक उसके बिना कुछ भी नहीं, अगर वो उसको नहीं बचाती तो वो पहले ही मर जाता। अब टैंक चुपचाप उठता है और देख रहा होता है, लेकिन ड्वेन उसको जेलस फील करवाने के लिए प्रिंस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है,
लेकिन वो दूर जाता है और ये देखकर ड्वेन उसको दुखी होकर देख रही होती है। अब काफी समय तक जंगलों में यात्रा करने के बाद टैंग आखिरकार एक पहाड़ पर पहुंच जाता है जो पानी की अब्सेंस के बावजूद लिली पैड से ढका हुआ है। वो एक बड़े लिली के फूल को देखता है जो एक होल में उगा हुआ है। वो उस होल में कूदता है जहाँ एक पागल सा आदमी है और जो उसको बार बार हग और किस कर रहा होता है। टैंग सोचता है कि ये पक्का वुकोंग होना चाहिए और पिग डेमन को हराने में मदद करने के लिए उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी केवल इस जगह को छोड़ने में दिलचस्पी रखता है और साधु से सील को हटवाने की कोशिश करता है जो उस होल में लगी हुई थी और दावा करता है कि इसमें वो राक्षस को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन टैंग इन छोटे छोटे चालों में नहीं पड़ता, जिसके कारण वुकोंग निराशा में भागने की कोशिश करता है, लेकिन गुफा की जितनी भी रूट्स होती हैं वो सब उसको अंदर खींच लेती है और इस तरह भागने के लिए सजा के रूप में उसको चोट पहुंचाना शुरू करती हैं। अब टैंग को उस आदमी के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसको एक बनाना ऑफर करता है, जिसको देखकर दानव का व्यवहार थोड़ा नरम पड़ जाता है और वो मॉन्ग को पिग मॉन्स्टर को हराने के सारे तरीके बताता है। वो कहता है क्योंकि मॉन्स्टर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था तो उन्हें एक सुंदर लड़की की जरूरत है जो चांदनी में डांस कर सके और जो राक्षस को गुफा की ओर खींचने में वुकोंग की मदद कर सके। तभी अचानक ड्वेन उनकी योजना के बारे में सुन लेती है और गुफा में कूदती है और पिग मॉन्स्टर के लिए चारा बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। अब टैंग उसको देखता है और उसको बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वुकोंग उसको डांस सिखाना शुरू कर देता है और उसके साथ फ्लर्ट भी करता है। ये देखकर टैंग को बहुत ही जेलस फील होती है। ये देखकर ये साबित होता है कि वो सच में ड्वेन से प्यार करता है। अब रात का समय है, ड्वेन चांदनी के नीचे डांस कर रही है और टैंग उसके लिए म्यूजिक प्ले करता है। टैंग उसको देख रहा होता है और उसके हर मूव को देखकर ड्वेन से और भी ज्यादा प्यार करता है। जल्दी वे एक राक्षस की धार सुनते हैं और देखते हैं कि पिग मॉन्स्टर आ गया है। अब वुकोंग गुफा के अंदर से बात करना शुरू करता है ताकि राक्षस लिली के नीचे होल में झांके और देवताओं की सीलिंग की वजह से अंदर खींच ले जाए। ड्वेन पिग मॉन्स्टर को एक गुड़िया में बदल देती है और टैंग को दे देती है, जिससे वो अपनी नर्सरी राइम से उसको कन्वर्ट कर सके। फिर वो टैंग को एक रिंग पहनाती है और कहती है कि वो उसे शादी करना चाहती है, लेकिन टैंग बहुत परेशान हो जाता है और उसके साथ रिश्ते में रहने के बजाय अपनी उंगली काटने के लिए भी तैयार है। अब ड्वेन ये देखकर खुद ही रिंग निकाल देती है और नर्सरी राइम्स की बुक को वापस देने की कोशिश करती है जो उसने गोंद से चिपका दी थी, लेकिन टैंग गुस्से में होता है और उससे बुक वापस लेने के लिए मना कर देता है। अब ड्वेन टैंग के बर्ताव को देखकर बहुत रोती है और फ्यूचर में उसका पीछा नहीं करने का वादा भी करती है। टैंग गुफा से बाहर निकलता है और अपनी सच्ची फीलिंग्स छुपाते हुए उदासी से मून की तरफ देख रहा होता है। वो वुकोंग को उस लिली के फूल को हटाने के लिए प्रार्थना करते हुए सुन रहा है, जिससे गुफा की एंट्रेंस ब्लॉक हो जाती है क्योंकि वो भी मून लाइट को एंजॉय करना चाहता है। अब टैंग फूल को काट देता है और तभी सारी लिलीज आग की लपटों में बदल जाती है। वुकोंग गुफा के अंदर पागलों की तरह हंस रहा होता है और आग की लपटों में बाहर आ जाता है जो सीधा टैंक के सामने गिरता है, यानी कि वो फ्री हो गया है। वो टैंक को पकड़ लेता है और उसे गुड़िया की तरह ऊपर उछाल देता है और उसका मजाक उड़ाता है कि उसने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और उसने डेमन को रिलीज कर दिया है। टैंक मंकी डेमन से कहता है कि वो बच नहीं पाएगा क्योंकि बुद्धा ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं और गुस्से में वुकोंग टैंक के सारे बालों को भयानक रूप से फाड़ना शुरू कर देता है। लेकिन वहाँ पर अचानक डेमन को महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई आ गया है और पीछे मुड़ के देखता है तो तीन डेमन हंटर आगे हैं। द फिस्ट ऑफ नॉर्थ स्टार नाम का डेमन हंटर डेमन पर अटैक करता है, लेकिन वुकोंग आगे बढ़ता है और जल्दी से उस आदमी के गले को बाइट करता है और उसे वहीं मार देता है। दूसरा डेमन हंटर द माइटी फूड इसे देखता है और खुद को ट्रांसफॉर्म कर देता है और वो अपने पांव को एक स्कूल साइज की बस के बराबर बड़ा कर देता है और फोर्स से मंकी डेमन के पीछे धकेल देता है। बूढ़ा आदमी हवा में कूदता है और वुकोंग पर वॉर करता रहता है, लेकिन मंकी डेमन उसके पांव को फाड़ देता है और उसे ठीक प्रिंस के ऊपर गिरा देता है। तभी वो व्हाइट प्रिंस डेमन पर कई सारे स्वॉर्ड फेंकता है, जिससे वुकोंग हवा में भागने के लिए मजबूर हो जाता है क्योंकि वो वेपन्स उसका पीछा नहीं छोड़ते। जहां भी वो जाता है वो उसका पीछा करते ही रहते हैं। तभी वो मंकी डेमन भी अपने वेपन निकालता है और स्वॉर्ड को खदेड़ना शुरू कर देता है, लेकिन प्रिंस सभी वेपन्स को एक साथ डेमन की ओर भेज देता है। अब अटैक इतना पावरफुल होता है कि डेमन के स्टेप को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अंत में वो डेमन से टकराकर दीवार में गिर जाता है और टुकड़ों में बिखर जाता है। वुकोंग अटैकर्स पर जोर से दहाड़ मारता है जिससे एक शॉक वेव प्रोड्यूस होती है और जो डेमन हंटर्स को डस्ट में बदल देती है। फिर वो साधु की ओर फोकस करता है, लेकिन शॉकिंगली उसके पीछे से ड्वेन निकल कर आती है और टैंग ने उसे जो भी कहा था उसके बावजूद उसको बचाने आती है। ड्वेन अपनी रिंग से वुकोंग पर हमला करती है। वो मंकी पर हमला करती है, लेकिन वुकोंग आसानी से उसके सिर पर वॉर करता है और उसको पीछे की ओर फेंक देता है। अब टैंग ड्वेन की ओर बड़ी मुश्किल से जाता है और ड्वेन टैंग से पूछती है क्या वो अभी भी उससे प्यार करता है। अब टैंग बुरी तरह से रोने लगता है और ड्वेन से कहता है कि वो उससे हमेशा ही प्यार करता था जब से वे पहली बार मिले थे। अब टैंग के कन्फेशन को सुनकर ड्वेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मर जाती है।
तभी टैंग उसको पकड़ता है और किस करता है और उसकी रिंग को निकाल कर अपनी उंगली में डाल देता है। इससे पहले कि वो अपना शौक खत्म कर सके, वुकोंग उस लड़की को उठाता है और उसके हजार टुकड़े कर देता है। अब अचानक डेमन को कुछ अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि वो तुरंत पीछे देखता है तो वहाँ पर टैंग आखिरकार सभी अटैचमेंट्स को छोड़ चुका है और वो उस बुक को पढ़ता है जिसको ड्वेन ने जोड़ा था और उसमें लिखे हुए वर्ड का जाप करता है, जिससे एक विशाल बुद्धा का निर्माण होता है जो पूरे प्लेनेट को देख रहा है। वो बड़ा सा स्टैचू अपनी हथेली को प्लेनेट की ओर लाता है, जिससे एक शॉक वेव प्रोड्यूस होती है और जब उसका हाथ एनवायरनमेंट में आता है तो वहाँ सारी कंपन हो जाती है और वहाँ पर एक अलग ही एनर्जी निकलती है जिसको वो मंकी डेमन अपने शरीर में इकट्ठा करता है और गुस्से में चिल्लाते हुए किंग कॉन्ग में बदल जाता है, जो कि हर चीज पर हावी होना शुरू हो जाता है। अब वो विशाल हाथ डेमन के करीब आता है और वुकोंग आखिरी मूवमेंट पर अटैक करने को रोकने के लिए बुद्धा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इतना भारी वेट उठाने में उसको बहुत ही परेशानी होती है और क्योंकि डेमन का भगवान की शक्तियों के आगे कोई मुकाबला नहीं है तो वो उस बड़े से हाथ के नीचे कुचल जाता है और वुकोंग के गले की दुनिया में पहुंच जाता है, जहां टैंग आखिरकार डेमन पर विजय प्राप्त कर लेता है। वो ड्वेन की किंग उतारता है और उसको मंकी के सर पर लगाता है, जिससे डेमन उसका शिष्य बन जाता है और साधु उसका गुरु बन जाता है। और अब वो ऐसे करते करते वेस्ट की जर्नी के लिए बिल्कुल तैयार है। वो और वे राक्षस जब उसके शिष्य बन चुके हैं, इंडिया से होली स्क्रिप्चर प्राप्त करेंगे ताकि वे ह्यूमंस की सफरिंग को खत्म कर सके। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसे लगी। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर